गाइस इस चैनल पे बहुत सारी ईयरफोन की बात करी जाती है एंड वो आप लोगों को भी पता है। तो मैं सोचा नॉर्मल वेयर्ड ईयरफोन और ब्लूटूथ ईयरफोन ही क्यों थोड़ा गेमिंग वेयर्ड ईयरफोन की बात करी जाए। तो बेस्ट गेमिंग ईयरफोन अंडर 1000 क्या क्या ऑप्शन देखने को मिल जाती है वो आपको इस वीडियो पे पता चलने वाली है अगर आप वीडियो को एंड तक देखते हो तो। हाय गाइस, मेरा नाम है सुमन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। नाउ गाइस, पहले ईयरफोन जो मैंने चूज किया मतलब जिस भी ब्रांड का ना बहुत ही अच्छी है एंड ये ब्रांड बजट में मतलब हेडफोन की गेमिंग हेडफोन और ईयरफोन की दुनिया में राज कर रही है एंड मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कॉस्मिक बाइट की। एंड मैं गाइस पिक किया हूँ यहाँ पर पहले कॉस्मिक बाइट CB EP05। गाइस बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है इस प्राइस रेंज पे एंड डिजाइन आपको स्क्रीन पे दिख रही है क्या तगड़ी गेमिंग लुक दी है। नाउ गाइस, यहाँ पर इस ईयरफोन पे इनलाइन काउंटर पे आपको वॉल्यूम अप डाउन देखने को मिल जाती है एंड आपको एक मल्टीमीटर बटन देखने को मिल जाती है। गाइस इस इनलाइन कंट्रोल पे आपको माइक देखने को मिल जाती है, एक माइक तो है बट यहाँ पर आपको डी अटैचेबल गेमिंग बूम माइक देखने को मिल जाती है कुछ इस टाइप का, मतलब आपको मतलब जहाज वहाज चला रहे हो ऐसे लगेगा। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपको 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड जैक देखने को मिल जाती है जो कि बहुत बढ़िया बात है एंड आपको यहाँ पर टेढ़ी टाइप सा एक ईयरफोन जैक है मतलब हाफ एल टाइप सा, मतलब पूरा एल दे देता भाई, बहुत ही अच्छी ग्रिप बन जाती बट इससे ग्रिप की मतलब आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का जो है 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड जैक देखने को मिल जाती है। गेमिंग एंड साउंड की बात करें तो मतलब बहुत ही बढ़िया है, गेमिंग तो यहाँ पर तगड़ी करने वाले क्योंकि ये गेमिंग ईयरफोन है, मतलब अच्छी मतलब जो फुटस्टेप का जो आवाज है बहुत ही अच्छी यहाँ पर निकल के आती है। बट साउंड की बात करें तो मैंने जो रिव्यूज देखी वहां पर बताया गया कि ट्रेबल जो है थोड़ा कम है बट साउंड क्वालिटी यहाँ पर बहुत अच्छी है, तो मतलब एक ईयरफोन से आप साउंड गेमिंग का मजा जो है वो उठा सकते हो। तो कॉस्मिक बाइट CB EP05 बहुत ही अच्छी एक ऑप्शन है एंड इसकी प्राइस की बात करें तो सिर्फ 449-500 के नीचे गेमिंग ईयरफोन कॉस्मिक बाइट की तरफ से बहुत ही बढ़िया बात है। एंड गाइस मतलब अगर आपको खरीदना है और कुछ चेकआउट करना है, प्राइस भी अगर चेंज हो गया तो मतलब सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन पे बाइंग लिंक दी हुई है, अब उसे चेकआउट कर लेना। नाउ गाइस, यहाँ पर नेक्स्ट क्लॉ G9X को मैंने पिक किया हूँ। बिल्ट इन डिजाइन की बात करें तो आपको स्क्रीन पे देख रही है बिल्कुल ये बहुत ही बढ़िया बात है एंड गेमिंग लुक भी इस ईयरफोन पे बहुत ही तगड़ी दी हुई है क्योंकि बहुत ही बढ़िया बात है। वर्ड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर थोड़ा टेक्सचर्ड रबर का फिनिश वेयर देखने को मिल जाती है, तो थोड़ा अच्छी क्वालिटी का रबर की यूज की गई है वेयर पे, तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, वेयर क्वालिटी आपको अच्छी देखने को मिल जाती है। गाइस यहाँ पर इस ईयरफोन पे इनलाइन कंट्रोल पे आपको बहुत सारे कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको वॉल्यूम रॉकर मिल जाती है, मल्टीमीडिया बटन देखने को मिल जाती है एंड यहाँ पर आपको म्यूट बटन देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। मतलब अगर आप लोग मतलब गेम के अंदर म्यूट मतलब करने का बहुत मतलब टैप करना पड़ती है, यहाँ से सिर्फ यहाँ पर मतलब हैंग करती है, क्लिक कर दो मतलब हो जाएगा, तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि आपको इनलाइन कंट्रोल पे ही म्यूट बटन देखने को मिल रही है गेमिंग या ईयरफोन पे एंड यहाँ पर आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक भी देखने को मिल जाती है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। इस ईयरफोन के साथ आती है एक डिटैचेबल गेमिंग बूम माइक, तो इसकी भी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही बढ़िया रहने वाली है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। नाउ आप गेमिंग एंड साउंड क्वालिटी की बात करें तो इस ईयरफोन पे बहुत ही अच्छी गेमिंग कर सकते हो, तो साउंड में थोड़ा मतलब कम है यहाँ पर, थोड़ा मतलब कम है, तो अगर आप लोग टोटली गेमिंग करना चाहते हो तो क्लॉ G9X को चूज कर सकते हो। प्राइस रेंज की बात करें तो ये 649 पे आती है जो कि बहुत ही बढ़िया बात है, यहाँ पर म्यूट बटन बहुत ही एक्स्ट्रा फीचर मिल जाती है। नाउ गाइस, हमारा नेक्स्ट जो गेमिंग ईयरफोन है तो फिर से कॉस्मिक बाइट CB EP04। गाइस मैं एक चीज बता दूं, कॉस्मिक बाइट CB EP05 एंड CB EP04 जो है वो हाल ही में लॉन्च हुई है, मतलब न्यू प्रोडक्ट है। नाउ गाइस, कॉस्मिक बाइट CB EP04 की बिल्ड एंड डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी बहुत ही अच्छी है एंड डिजाइन आपको स्क्रीन पे देख रही है भाई, क्या मस्त लुकिंग प्रोवाइड किया कॉस्मिक बाइट ने, सिल्वर एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन भाई बहुत ही तगड़ी गेमिंग लुक यहाँ पर प्रोवाइड कर रही है। नाउ गाइस, वेयर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर भी आपको रबर टाइप का मतलब एक टेक्सचर्ड रबर टाइप का फिनिश एक वेयर देखने को मिल जाती है जो कि मतलब ठीक ठाक वेयर है। अब इनलाइन कंट्रोल की बात कर लेते हैं एंड ये कॉस्मिक बाइट CB EP04 की एक डिसअपॉइंटेड चीज मुझे लगी है कि यहाँ पर इनलाइन कंट्रोल पे आपको सिर्फ मीडिया कंट्रोल देखने को मिल जाती है, ना कोई अप डाउन का मतलब वॉल्यूम रॉकर्स और ना कोई म्यूट बटन का स्विच देखने को मिलेगा एंड ये मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड लगी है। एंड गाइस, यहाँ पर आपको 3.5 mm का गोल्ड प्लेटेड L शेप जैक देखने को मिलेगा,
तो फाइनली एल शेप देखने को मिला है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। ग्रिप गेमिंग के टाइम अगर आप मोबाइल पे गेमिंग कर रहे हो तो ग्रिप बहुत ही कमाल की होने वाली है। गेमिंग एंड साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर मतलब बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से गेमिंग कर सकते हो इस ईयरफोन से। एंड यहाँ पर डिटेचेबल माइक भी मिल जाती है, तो बहुत अच्छी मतलब टीममेट से बातचीत भी कर सकते हो। साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत अच्छी साउंड क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। तो गेमिंग एंड साउंड क्वालिटी का जो मजा है वो CP EP04 से अब लोग उठा सकते हो। प्राइस रेंज की बात करें तो यहाँ पर मतलब 924 रुपीस में अमेजन पे मिल रही है, बट ये 800 के आसपास आने वाली है, थोड़ा वेट कर लेना। बट बहुत ही अच्छी ईयरफोन है, सिर्फ डिसअपॉइंटेड चीज इनलाइन कंट्रोल पे आपको ना ही वॉल्यूम लॉकर और म्यूट स्विच देखने को मिल जाती है, बट गेमिंग बहुत तगड़ी कर सकते हो तो इसको जरूर परचेस कर सकते हो। नाउ गाइस, हमारा इस लिस्ट में लास्ट जो गेमिंग ईयरफोन है वो क्लॉ की तरफ से क्लॉ G11। गाइस, बिल्ट इन डिजाइन की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी गेमिंग लुक प्रोवाइड की है। G9X से थोड़ा मतलब सिमिलर ही है, बट बिल्ट इन डिजाइन यहाँ पर बहुत ही अच्छी देखने को मिल जाती है। नाउ गाइस, वेयर क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी वेयर क्वालिटी देखने को मिल जाती है, मतलब यहाँ पर भी सेम यहाँ पर टेक्सचर्ड रबराइज फिनिश का एक वेयर देखने को मिल जाती है। एंड गाइस, यहाँ पर इनलाइन कंट्रोल पे भी सेम G9X की तरह म्यूट बटन, वॉल्यूम रॉकर, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन एंड मल्टीमीडिया बटन देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। यहाँ पर गाइस 3.5mm का गोल्ड प्लेटेड जैक देखने को मिल जाती है एंड टेढ़ा वाला जैक देखने को मिल जाती है। गेमिंग एंड साउंड की बात करें तो बहुत ही तगड़ा आने वाली है, क्योंकि ये एक डुअल ड्राइवर गेमिंग ईयरफोन है एंड यहाँ पर सपोर्ट करती है 3D स्टेरियो साउंड, बहुत ही तगड़ी है। तो यहाँ पर गेमिंग एंड साउंड बहुत ही अच्छी तरीके से मजा जो है इस ईयरफोन से उठा सकते हो। गेमिंग भी अच्छी कर सकते हो एंड साउंड भी, मतलब गाना वाना बहुत अच्छी तरीके से सुन सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो अगर आपकी प्राइस फिक्स 1000 रुपीज है और 1000 रुपीज के आसपास आप एक गेमिंग ईयरफोन ढूंढ रहे हो तो ये आपके लिए बेटर चॉइस बन सकती है। इसकी जो प्राइस रेंज है 949, तो 949 पे बहुत ही तगड़ी एक ऑप्शन बन जाती है क्लॉ G11, आप लोग जरूर परचेस कर सकते हो। तो गाइज, लिस्ट यहीं पर खत्म होती है। गाइज, डिफरेंट प्राइस रेंज पे आप लोगों को क्या क्या ईयरफोन गेमिंग ईयरफोन देखने को मिल जाती है वो आपको पता चल गया है। तो अपना प्राइस रेंज फिक्स करो एंड जाके खरीद लो। नाउ ये सब के साथ इस वीडियो को यहीं पर ही खत्म करते हैं। अगर आप लोग वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना एंड चैनल पे नए आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना एंड घंटी भी दबा देना, मतलब ऐसे जोर से दबाना उस घंटी को, मतलब ऑल दिखे वो घंटी ना। हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।